घने से बंधी लाल लकड़ी वाला पेड़ खड़ा था। वह पेड़ बहुत विशाल और बहुत ऊंचा था। वो कई वर्षों से वहां खड़ा था और अक्सर एक प्रश्न किया करता था कि मैं यहाँ क्यों हूं। पर दुख इस बात का था कि उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसकी पत्तियां नुकीली थी, उस पर लाल पीले रंग के फूल खिलते थे और वो हमेशा हरा भरा रहता था। शायद इसलिए चिड़िया उसे बहुत चाहती थी। वे सभी चिड़िया वहीं बड़ी हुई, उनके बच्चे हुए और वे सभी के सभी उसी लाल लकड़ी वाले पेड़ पर रहा करते थे। पर धीरे धीरे वक्त के साथ वो पेड़ बहुत दुखी रहने लगा। उसे लगता कि मैं यहां बेवजह ही खड़ा हूं। सूर्यास्त के समय चिड़ियों की आवाज उसे सोर लगने लगती और उसने कई सालों बाद वही प्रश्न फिर दोहराया कि मैं यहां क्यों हूं। वो चाहता था कि कोई आए और मुझे बस काट डाले ताकि मैं किसी के कुछ तो काम आऊं। और तभी एक काली चिड़िया ने पेड़ की आवाज सुन ली। वह जमीन से उठकर पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर सारी चिड़ियों को आवाज दिया और बताया कि ये पेड़ हमारा इस जंगल को छोड़ना चाहता है। इस पेड़ को लगता है कि वो किसी के काम नहीं आ रहा। उन सभी चिड़ियों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो इस पेड़ को बताएंगे कि वो कितना बहुमूल्य है। वो सभी चिड़िया पेड़ के पास गए और वो उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ 10 या 20 घरों वाले नहीं हो, तुम पूरे 200 परिवार वाले हो। तुम हम सब के घर हो, इस जंगल को मत छोड़ो। उस दिन पेड़ को ये जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि वो वहां क्यों है। हमारे साथ भी तो यही होता है ना। जब हम दुखी होते हैं, हताश होते हैं, तो हम अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं कि हम यहां क्यों हैं। हमारे होने से किसी को खुशी भी तो नहीं होती। लेकिन जब हमारे इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है, हमें जब मालूम होता है कि हमारे होने से, हमारी मौजूदगी से कितने सारे लोगों के चेहरे पे हंसी खिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। जाते जाते आपके लिए कुछ पंक्तियां। भूलता भटकता किसी मंजिल का हूं रास्ता, जिंदगी लड़ी है लेके सांस उकाई बसता। कभी तो तबाह में पनाह कोई ढूंढता, दम मदम सवालों में उभरता कभी डूबता। जिंदगी बताए ना क्या जीने का सलीका है, बख्श दे सलामती यहां भी कोई जीता है।